यूपी के बुलंदशहर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह ने किसानों के साथ बैठक की और एक बार फिर गन्ने के बकाया भुगतान को ब्याज समेत दिलाने का भरोसा दिलाया। वीएम सिंह ने कहा कि वो किसानों को गन्ने का ब्याज दिलाकर रहेंगे और इस लड़ाई में वो किसानों के साथ हैं। किसानों को संबोधित करते हुए सरदार वीएम सिंह ने किसानों से चेयरमैन और डायरेक्टर के चुनाव में शामिल होने की अपील की। और इस खबर पर बातचीत करते हैं खुद वीएम सिंह जी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीएम सिंह जी, आपने एक बार फिर किसानों को भरोसा दिलाया है कि भुगतान के साथ साथ जो बकाया ब्याज है वो भी आप दिलवाएंगे, किस तरह ये हो पाएगा? आपको क्या लगता है कि कब तक ये मिल सकेगा किसानों को? होली बीत चुकी है, त्यौहार पर सबकी टकटकी लगी होती है कि उनके हाथ में पैसे आए। देखिए, ऐसा है, किसानों को भी खड़े होना पड़ेगा अपने पांव के ऊपर। आज तक वो कहते हैं सबका होगा तो मेरा होगा, वो कहीं ना कहीं उनकी निगाह होती है कि चलो ये कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा। मैंने उनको बड़ा सीधा कहा है, ये तो ब्याज तो मैं दिलवा दूंगा, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी वो मैं दिलवा दूंगा, मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, जैसे ठीक होगी इलाहाबाद जाके कर लेंगे जी। पर आगे के लिए कैसे काम चलेगा, वीएम सिंह कब तक रहेगा, 99 साल का पक्का लेके नहीं आया। तो मैं इनको बार बार कहता हूँ कि अब मैंने इनसे कहा है, अभी हमारा चुनाव आएगा, एक सिस्टम होता है, वाइस चेयरमैन होता है, चेयरमैन होता है सोसाइटियों का, इसका काम होता है तो पहले अपने डेलीगेट बनाए, उसी में से डायरेक्टर बनाए, उसी में से चेयरमैन बनाए, और वो चेयरमैन इनके साथ इनके रेट के लिए, इनके लड़ाई के लिए, इनके पेमेंट के लिए, इनके ब्याज के लिए इनके साथ धरना दे, ना कि वो चेयरमैन जो है सस्ता खरीद के महंगा बेचे जैसे होता है। तो वही मैंने सबसे कहा है कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो, ऐसे लोगों को सामने लेके आओ जो आपको लूटे ना, और अगर कोई लूटने वालों को सामने लेके आओगे तो आपको कौन बचाएगा और कब तक बचाएगा आपको जी। तो ये सब चीजें जो है किसानों को हमने कहना चालू किया है, अभी 2 महीने में चुनाव आ जाएंगे, इलेक्शन आ जाएंगे कॉपरेटिव सोसाइटीज के जी। आपको मालूम होगा ना, सोसाइटी के माध्यम से ही हम गन्ना देते हैं मिलों को, बिना सोसाइटी के हम गन्ना नहीं दे सकते हम। और वो सिस्टम ऐसा बना हुआ है, कानून ऐसा बढ़िया बना हुआ है कि आप पहले डेलीगेट बनेंगे, डेलीगेट के बाद डायरेक्टर बनेंगे, पर डेलीगेट जो है पैसे लेके डायरेक्टर बनाता है, डायरेक्टर पैसे लेके वो बनाता है। हमने कहा पैसे खत्म करो जी, यानी आप पूरी व्यवस्था में सुधार की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।